तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेन को जो कि बुक कर सकते हैं कहीं भी कभी भी, वो भी अपने मोबाइल से, तत्काल, जनरल और एसी, नॉन एसी, जो कि आप बुक कर सकते हैं जनरल। अगर आप भी चाहते हैं कोई भी जो कि कहीं भी आप ट्रेन, अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं वहाँ से भी आप जो कि ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, और वो भी अपने खुद अपने मोबाइल से, और अपना चार्ज भी देख सकते हैं कौन कितना चार्ज है, सब अपने मोबाइल से। इसके लिए आपको कोई थोड़ा सा भी जो कि आपको इतनी नहीं करना, आप इजी इजी से इजी आप जो कि ट्रेन बुक कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ट्रेन बुक कर सकते हैं कहीं भी कभी भी किसी भी, अगर अपने लाइफ में, अगर फैमिली में अच्छा कोई भी अगर है, या तो आप अपने मोबाइल से ही ट्रेन बुक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम ट्रेन बुक करें, और ट्रेन का स्टेटस भी देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पर कौन सी है और कब है, आप जो कि कंफर्म टिकट भी कर सकते हैं, कंफर्म टिकट भी देख सकते हैं रनिंग, और इसके बाद आप पूरा जो कि इसमें बायोडाटा आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटा सा एक एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्ले स्टोर से जो कि आपको उपलब्ध है आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में आपको पूरा बताऊंगा आपको, पहले इस वीडियो में आपको जानकारी और बता देता हूँ कि आप कैसे इसे ट्रेन टिकट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन है। उसके उसके बाद अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम यहाँ जो कि हमारे पास एप्लीकेशन है, इसे हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा, इसमें आपको मिल जाती है, देखिए बहुत सारे फीचर मिल जाती है। ट्रेन नंबर से भी चेक कर सकते हैं ट्रेन स्टेटस, जो कि आप यहाँ से बहुत सारे आपको फीचर मिल जाती है। आपको स्टैंड या फ्लाइट कर सकते हैं, यहाँ आपको जो कि ट्रेन का बुक कर सकते हैं। तो चलिए, हमें ट्रेन बुक करना है तो हम ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, IRCTC ट्रेन। उसके बाद आप कहाँ से कहाँ सफ़र करना चाहते हैं, और उसके बाद आप कौन सी जो कि लेना चाहते हैं, स्लीपर, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप यहाँ आपको मिल जाती है। जिस जगह से आप सफ़र करना चाहते हैं उस जगह का नेम, और वहाँ से आप दूसरे जगह करना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद ही आपको मुझे तत्काल टिकट करना होगा तो आपको टमोरो पर क्लिक करना होगा। अगर आपको आफ्टर, मतलब बाद में अगर कहीं दूसरे दिन जाना होगा तो आपको आफ्टर डे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम टमोरो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद यहाँ टमोरो पर क्लिक करने के बाद सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च ट्रेन कर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ट्रेन का पूरा चार्ट मिल जाएगा कि कौन ट्रेन कितने बजे है, कितने टाइम में है, और आपको यहाँ पैसा भी मिल जाएगी, और आपको ये कौन सी अवेलेबल सीट है, आप देख ग्रीन जो भी है तो आप समझ सकते हैं जो कि अवेलेबल है, यहाँ से देख सकते हैं। 880 रुपये, तो इसको हमको क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद बुक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ आपको बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP जो कि जाएगा, या तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी जो कि आपको उस पर भी एक OTP जाएगा, तो आप वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आप एक मोबाइल नंबर डालकर अपना OTP जो कि आपके मोबाइल पर नंबर पर आएगा वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर ही डालकर जो कि इसे लॉग इन करना चाहता हूँ। उसके बाद नंबर डालने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए OTP जो कि ऑटोमेटिक जो कि वेरीफाई ले लिया, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर OTP आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है, आपको जिन नाम जिनका आप ट्रेन टिकट कर रहे हैं उनका नेम और एज आपको डालना हो, मेल फीमेल या कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम मेल में आते हैं, तो मेल यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नेम, और उसके बाद ऊपर में आपको यहाँ आपको नेम और एज डाल देना है, मेल फीमेल तो जो भी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको ऐड ट्रेवल पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ नेम डाल देते हैं, जो भी हम यहाँ नेम जिनके नाम पर करना चाहते हैं तो उनका हम डाल देंगे। यहाँ आपको एज डाल देना है, जिनका उनका एज है उतना डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको ट्रेवल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको उसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ आपको पूरा चार्ट मिल जाती है, आप जिनका जो भी आप जिस तरह से ट्रेन बुक करना चाहते हैं उस टाइप के आप कर सकते हैं, जितना
सस्ता एसी, नॉन एसी, स्लीपर, जनरल, आप यहाँ से जो कि अपने कैटेगरी के अनुसार जो कि आप चूज करके जो कि ट्रेन बुक कर सकते हैं। आपको बुक करने के लिए भी तरीका बता दिए कि आप कैसे जो कि बुक कर सकते हैं। तो अगर हमारी दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसका एप्लीकेशन का नाम है, आपको एप्लीकेशन का नाम भी बता देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। मिनिमाइज करके आपको लिखना है IRCTC ट्रेन बुक, आपको इतना लिखना है अपने प्ले स्टोर में, उसके बाद वहाँ से मिल जाएगी। तो हमारी दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।